Assalamualaikum दोस्तों, welcome to my Asaan tutorials. In today's lecture we will discuss about Java programming language and it's a hello world first program. तो चलते हैं दोस्तों, last program की last जो lecture की discussion थी उसमें हमने कुछ variable declaration के तरीक़ेकार पे देखा था, Java programming language और object oriented programming के basic concept के ऊपर discussion थी हमारी. और आज this is our first Java language program. Java language program बल्कि मैं इसको आपको direct compiler पर अगर ले जाऊँ वहाँ पे perform करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक first program type करते हैं और लिखते हैं. तो दोस्तों आपको Java language programming के लिए काफ़ी सारे softwares हैं, उसमें से जो मैंने install किया हुआ है वो है NetBeans IDE. NetBeans इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसको मैं यूज़ करते हुए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, उसके जितने भी कोड हैं यहाँ पे टाइप करता हूँ. तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, उसके बाद फिर आप फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से हम स्टार्ट करें और ऑनवर्ड इंशाल्लाह बाकी सारे टॉपिक्स इसी में कवर करेंगे हम. तो मैंने एक फर्स्ट प्रोग्राम इसी पर टाइप किया हुआ है और उसको देख लेते हैं कैसे आपने टाइप करना, स्टार्ट करना, प्ले करना. तो ये हमारे पास कंपाइलर है बेसिकली जावा लैंग्वेज का, NetBeans IDE के नेम से ये आपको नेट पे मिल जाएगा आसानी से. हाँ, इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको एक JDK किट मिलेगी, उस JDK किट जावा किट जो है उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. और वो जो इंस्टॉलेशन है वो भी आप डिपेंड करते हैं कि आपके पास कौन सा आर्किटेक्चर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल है. सपोज के मेरे पास कंप्यूटर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ओएस किया हुआ है, तो आप 32 बिट JDK किट डाउनलोड कीजिएगा. अगर आप 64 बिट आपकी विंडो इंस्टॉल हुई पड़ी हो देन आप 64 बिट JDK किट जो है वो इंस्टॉल कर लीजिएगा. उसके बाद फिर आप NetBeans सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा. तो बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि JDK किट जब आप इंस्टॉल करते हैं तो क्या आपका शो हो रहा होता है. ये बेसिकली जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसई डेवलपमेंट किट 8 ये मैंने इंस्टॉल की हुई है. उसके बाद फिर NetBeans मैंने इंस्टॉल किया था. अब वापस आते हैं कंपाइलर के ऊपर. ये मैंने एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है जो कि एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है और हमारा वेलकम प्रोग्राम है. और कैसे ये टाइप किया, ये जस्ट मैंने जो है इस को स्टार्ट फ्रॉम द पब्लिक करना ऐसे होता है कि आपने यहाँ से फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है. मैं दोबारा ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको. न्यू प्रोग्राम और इसमें हम जावा को फर्स्ट जो जावा है इसको क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद नेक्स्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम जो है सपोज कि मैंने ये नेम रख दिया था CPE मीन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, हमारे डिपार्टमेंट का नेम है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग. तो CPE नेम लिखने के बाद मैंने बस नेक्स्ट प्रेस किया था और फिनिश किया था. तो मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई थी जिसके ऊपर जो CPE की डिफ़ॉल्ट क्लास जो है वो जनरेट हुई पड़ी थी. CPE का जो डिफ़ॉल्ट पैकेज था वो जनरेटेड था. उस पैकेज के अंदर जस्ट मैंने जो फर्दर लिखना है वो सिर्फ ये 2 लाइनें लिखनी है. उसके अंदर जो फर्दर मैंने टाइप करना है, लिखना है, वो जस्ट ये 2 लाइंस जो कि System.out.println और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम या जो भी आप स्ट्रिंग लिखना चाहे वो एज इट इज़ आप लिख दें. देन उसके बाद दोबारा मैंने उसी लाइन को दोबारा टाइप किया, उसी को कॉपी पेस्ट किया और वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग एक और स्ट्रिंग जो है वो मैंने टाइप कर दी. और ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिंपली आपको एक प्ले का बटन नज़र आएगा, प्रोजेक्ट को रन करने का बटन है ये. इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे आउटपुट आपकी डिस्प्ले हो रही होगी इस स्क्रीन के नीचे आपको. दोस्तों इसमें जो थोड़ा सा मज़ीद डिस्कशन अगर मैं आपको बताऊँ, समझाने वाली चीज़ बताने लिए है कि C++ लैंग्वेज में अगर आपको याद हो तो यही एक्टिविटी आप कैसे किया करते थे. मैं अभी आपको टाइप करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कमेंट बार के थ्रू. ये कमेंट बार है जी, कमेंट बार के सामने कुछ भी लिख दें तो एज इट इज़ जो है कंपाइलर उसको रीड नहीं करता, उसको कमेंट के तौर पे कंसीडर करता है. तो C++ लैंग्वेज में हम C आउट लिख के जो डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखा करते थे वो बेसिकली हमारे पास जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट लिखना पड़ता है। तो अगेन ये देख लें कि सी आउट जो जावा लैंग्वेज के अंदर C++ लैंग्वेज के अंदर लिखा करते थे वो हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर सिस्टम डॉट जो है आउट डॉट प्रिंट एलन मीन प्रिंट लाइन ये लिखते होते हैं। तो अगेन इसको प्ले करके आप देख लें, हेलो वर्ड हमारा प्रोग्राम है। इस हेलो वर्ड के अंदर आप कुछ और कुछ भी लिखना चाहें, सपोज कि मैं ये काफ़ी कुछ लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर, इसको प्ले करते हैं तो ये एज इट इज़ जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो दोस्तों आई थिंक आपको फर्स्ट हेलो वर्ड प्रोग्राम और जावा लैंग्वेज क्या होती है, जावा लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग कैसे होती है, जावा लैंग्वेज कोडिंग करने के लिए कौन सा कंपाइलर यूज़ करते हैं, उस चीज़ का आपको आइडिया हो गया होगा। इसमें एक और ऑप्शन होता है प्रिंट, जो एलन लिखा हुआ है इसकी बजाय सिर्फ प्रिंट अगर हम लिखते हैं तो देख लेते हैं क्या होता है जी। आपने देखा कि अगर प्रिंट एलन ना लिखें सिर्फ प्रिंट लिखें तो वो एक ही लाइन पे आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा है, एक ही लाइन पे आपको आउटपुट दिखा रहा है। इनके नेक्स्ट लाइन जो है वो किसी और नेक्स्ट लाइन जो है उसी आपके एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रही है जो कि हमने वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम या जावा लैंग्वेज की ये डिस्कशन समझ ना आ रही हो तो इसी डिस्कशन को पिछले 2-3 मिनट की जो डिस्कशन है इसको 2 से 3 दफ़ा बल्कि हो सके तो 4-5 दफ़ा इसको सुने, लिसनिंग करें, देखें और साथ साथ आप अपना कंपाइलर इंस्टॉल करके उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम परफॉर्म करके देखें ताकि आपके जो जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जो स्टार्टिंग है, इनिशियल कॉन्सेप्ट है और वो बिल्ट हो जाए। जो ही आपका इनिशियल कॉन्सेप्ट बिल्ट हो जाएगा उसके बाद जावा से रिलेटेड बड़ी बड़ी ऐप्स डिज़ाइन करना और जावा प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वापस चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर के फर्दर डिस्कशन जो है वो हमारी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के ऊपर है कि जी सबसे पहले हमने यूज़ किया पब्लिक क्लास माय प्रोग्राम जो कि मैंने सीपी नाम रखा हुआ था, उसको क्लास हेडर कहते हैं। देन उसके बाद क्लास की बॉडी होती है, उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स लिखते हैं। डबल स्लैश जो है वो कमेंट बार थे और जैसे C++ के अंदर डबल स्लैश डाल के आप कमेंट्स लिखते थे इसी तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर भी आप कमेंट लिख सकते हैं। और जो हमारी पब्लिक क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड इंट मेन जैसे लिखा करते थे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखा करते हैं और उसके अंदर फर्दर मेन मेथड की जो बॉडी है उसके अंदर कोडिंग हम करेंगे। तो आई होप आपको कमेंट्स का और ये बेसिक चीज़ों का आइडिया क्लियर होगा। और कमेंट्स को हम / के ज़रिए से भी लिख सकते हैं अगर आपने एक लाइन की बजाय मल्टीपल लाइंस वाला कमेंट करना हो, पूरा पैराग्राफ अगर आपने कमेंटिंग में लिखना हो तो ये जो सेकंड ऑप्शन में है इस तरीके से आप कमेंट लिख सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है जी, वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए जो प्रॉपर हम प्रोग्रामिंग में नेम रखते हैं उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर आर द वर्ड्स a programmer uses in a program. An identifier can be made up of letters, digits, the underscore, characters and the dollar sign etc. Identifier cannot begin with a digit. Java is a case sensitive. Total में capital T लिखा हुआ है पहले वाले में और दूसरे में small t लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे बल्कि ये जो थर्ड वन सारे कैपिटल हैं ये तीनों अलग अलग होंगे। जावा लैंग्वेज के 3 वेरिएबल कंसीडर होंगे। बाय कन्वेंशन प्रोग्रामर्स यूज डिफरेंट केस स्टाइल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर सच एज टाइटल केस फॉर क्लास नेम सीपी, अपर केस फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम। रिजर्व कीवर्ड्स कुछ होते हैं जी जावा के अंदर भी होते हैं जैसे C++ के अंदर हुआ करते थे, like abstract, assert, else, enum, interface, long, native, or etc. etc. जो हम default जो हमारे reserved words जो C++ लैंग्वेज के जैसे होते हैं इसी तरह जावा के। Then जी white space, spaces, blank lines and tabs are called white spaces. White space is used to separate words and symbols in a program. Extra white space जो है वो इग्नोर हो जाती है. A valid Java program can be formatted by many ways. Program should be formatted to enhance readability using consistent indentation. Program development में हमने the mechanics of developing a program include several activities. तो उसमें different activities करते हैं. अभी आपने क्योंकि छोटा सा hello world प्रोग्राम करके देख लिया तो आपको ये सारी डिस्कशन आई होप के समझ आ रही होंगी. राइटिंग द प्रोग्राम इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट, इन्वेस्टिगेटिंग and fixing various types of error that can occur. Software tool can be used to help with all parts of this process. So overall software development क्या होता है, program development क्या होता है, वो basically आपने जैसे अब छोटा सा एक program हमने design किया, यही basically program development concept है. और इसमें अगर बड़े-बड़े programs और अच्छे-अच्छे conceptual हम task complete करें तो उससे related हमारे पास software बन जाएंगे और वो जो सॉफ्टवेयर बन जाए अगर तो हम फिर उसे कहेंगे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उससे रिलेटेड हमने डिस्कशन की हुई है और वहाँ पे हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस जो है डिस्कस किया था. उसमें हमने सोर्स कोड बताया क्या होता है, वो कंपाइलर के पास जाता है, वो उसको कंपाइल करता है और उसका कंपाइल कोड आउटपुट पे आता है जो कि कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती थी. इसी तरीके से जावा लैंग्वेज कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जावा ट्रांसलेशन कैसे होती है. तो जावा कंपाइलर ट्रांसलेट जावा सोर्स कोड इनटू अ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड बाइट कोड. तो ये क्या करता है, इनपुट पे सोर्स कोड लेता है, उसको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके बाइट कोड बना देता है. जावा बाइट कोड इज नॉट द मशीन लैंग्वेज फॉर एनी ट्रेडिशनल सीपीयू. तो ये वो एक्जी फाइल जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट फाइल बना करती थी C++ की, वैसे नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होता है. अनदर सॉफ्टवेयर टूल कॉल्ड एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूट्स इट. देयरफॉर द जावा कंपाइलर इज नॉट टाइड टू एनी पर्टिकुलर मशीन. जावा इज कंसीडर्ड टू बी आर्किटेक्चर न्यूट्रल. तो ये कोई फिक्स नहीं है कि एक ही मशीन पे जावा ने चलना, वो हर जगह पे रन किया जा सकता है बशर्ते कि उससे रिलेटेड जो है आपका टूल इंस्टॉल हो. तो सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर के पास जाता है, जावा बाइट कोड बन जाता है, बाइट कोड को उठा के आप इंटरप्रेटर के अंदर डालें, कंपाइलर के अंदर डालें, चाहे किसी के अंदर भी डालें तो वो बदले में आपको मशीन कोड जनरेट करके देगा. डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, जैसे आईडीई अभी हमने यूज़ किया था नेटबीन्स वाला, इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे हैं लाइक सन जावा डेवलपमेंट किट है, देन नेटबीन्स, आईबीएम क्लिप्स, बोरलैंड और एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी सारे आपके पास डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है. डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बेसिकली एक बड़े सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग कोडिंग करके छोटे छोटे या बाकी जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्रिएट करते हैं. सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स क्या होते हैं जी, सिंटैक्स बेसिकली रूल्स होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, राइट करने के लिए. जैसे हम अगर हम अपनी लैंग्वेज देखें, ह्यूमन लैंग्वेज ABC हम पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और कोई भी उर्दू हिंदी कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हम सिंबल्स को याद करते हैं. जैसे A है, B है, C है, हमें पता है A को कैसे लिखते हैं, B को कैसे लिखते हैं, C को कैसे लिखते हैं. अगर सपोज कि हम C लिखने वाले अंदाज में लिखें कुछ और आप कहें कि जी ये मैंने A लिखा है, तो कोई भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसी तरीके से जो जावा लैंग्वेज का सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है, वो तरीका आप फॉलो करेंगे तो ही प्रोग्रामिंग जो है वो कर पाएंगे, तभी आपकी आउटपुट आएगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगी. सेम ऐसे कहूँगा कि जैसे अगर System.out अभी हमने लिखा था, System.out.print की बजाय अगर आप cout लिख के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा क्योंकि जावा लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स और तरीकाकार है. The semantics of a program statement define what that statement means. सेमेंटिक्स में उसकी डिटेल्स के उसकी वर्किंग क्या है, लॉजिक क्या है. ए प्रोग्राम दैट इज सिंथेटिकली करेक्ट इज नॉट नेसेसरली लॉजिकली करेक्ट. तो समटाइम एरर नहीं आ रहा होता है लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम होता है. ऐसे जैसे अगर हम लिख दें कि एडिशन इज ए माइनस बी, तो ये कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एरर नज़र नहीं आएगा, जबकि हकीकत में लॉजिकल एरर होगा इसके अंदर. तो ए प्रोग्राम विल ऑलवेज डू व्हाट वी टेल इट टू डू, नॉट व्हाट वी मीन टू टेल इट टू डू. तो जैसे हमारे पहले प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के लेक्चर में पहली स्लाइड में मैंने ये डिस्कशन किया आपको कि प्रोग्राम ने वो करना है जो हम उसे सिखाएंगे, ना कि जो हम चाहते हों. एरर्स क्या होते हैं जी? ये प्रोग्राम कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर्स. Compiler will find syntax error and other basic problems etc. और कुछ प्रोग्रामिंग के एरर्स के कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट स्लाइड्स या फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो आपको मिल जाएंगे, लॉजिकल एरर होता है, रन टाइम एरर होता है और साइंटेक्स एरर होता है. ये 3 मेन कैटेगरीज हैं. उसमें लॉजिकल एरर में मैंने अभी आपको लॉजिकल एरर बताया है. साइंटेक्स एरर में यह है कि आप सिंबल्स जो फॉलो करना होता है लैंग्वेज के वही फॉलो करें. आप अपनी मर्जी से थोड़ी सी भी सिंबल्स चेंज करेंगे या किसी और लैंग्वेज का सिंबल टाइप कर देंगे तो आपको एरर जो है कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. और रन टाइम एरर ये होता है कि अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, लाइब्रेरी फाइल के अंदर कोई मिसिंग इशू आ गया या फिर कोई और डिवाइड बाय जीरो लाइक एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर देते हैं, इनपुट प्रॉपर आप कीबोर्ड से नहीं देते, तो आपका एरर रन टाइम वाला होगा. तो बेसिक प्रोग्राम डेवलपमेंट में सबसे पहले जी एडिट करते हैं, सेव प्रोग्राम करते हैं, जो भी आप सोर्स कोड लिखते हैं उसको कंपाइलर को देते हैं. अगर कोई एरर आ जाए तो वो वापस दोबारा उसको रिमूव करते हैं, डीबग करते हैं, देन आपके पास एक प्रोग्राम का प्रॉपर रिजल्ट आता है. तो थैंक यू दोस्तों. आई थिंक आपको जावा लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और जावा लैंग्वेज के अंदर कैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, जावा लैंग्वेज से रिलेटेड कंपाइलर कौन सा होता है, कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, और उसके अलावा एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम टाइप करने का तरीका और क्लासेस को इंक्लूड करने का, प्रोग्राम स्टार्ट करने का तरीका आपने सीख लिया. आई होप इसको आप साथ साथ परफॉर्म करते रहें और नेक्स्ट लेक्चर्स देखते रहें ताकि आप प्रॉपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है जावा लैंग्वेज के अंदर सीख सकें. नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.